कश्मीर में कई जो ग्रुप स्टूडेंट्स रहते हैं वो हमारे जवानों का असॉल्ट कर रहे थे, तो आप कैसे देखते हैं वो वहाँ के जो लोकल ग्रुप जो ये असॉल्ट ना, कर रहे ये हैं? मुद्दा आपकी समझ से तो पहली बात बाहर है, दूसरी बात ये पॉलिटिकल एरिना नहीं है, तो मैं नहीं इस पे कमेंट करके आपको हेडलाइन ही देना चाहती। आपको कुछ जानना है तो मैं ब्लॉग लिख दूंगी। ओके, थैंक यू। प्लीज़ ऐसा कोई सवाल मत पूछना जो आई एम रनिंग 10 मिनट्स लेट, आई एम रनिंग। ओके बाय। नहीं, पूछो, जवाब मिलेगा वैसा जैसा सवाल होगा। अच्छा, फेयरनेस क्रीम के ऊपर जिस तरह से अभी चल रहा है, जो मतलब बड़े बड़े स्टार्स जो है फेयरनेस क्रीम को प्रमोट करते हैं, लेकिन अभय देओल की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है फेयरनेस क्रीम को लेकर, उसके ऊपर आप आपकी लोग क्या राय सो है? रहे थे क्या जब इतने सालों से फेयरनेस क्रीम्स लोग इंडोर्स कर रहे थे? तो तब आप सो रहे थे? अभी एक स्टार ने कुछ कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट बनाया है तो और उसके प्रेस ऊपर में हम आप लोग उछाल रहे हैं? आप तब पहले सो रहे थे? कितने सालों से फेयरनेस क्रीम्स इंडिया में चलती हैं? इस सवाल का आप मुझे जवाब दीजिए। आगे। ओके ठीक है मैम। मैम लेकिन हम लोग कई सवाल पूछते रहते हैं, इसलिए हम पूछते रहते हैं मैम, कोई सोया नहीं था, हम पूछते रहते हैं मुझसे तो, मैं इनको जानती हूँ, इन्होंने नहीं पूछा। इट्स नॉट अ पर्सनल अटैक ऑन यू, बट आई एम आस्किंग द प्रेस इन जनरल, वाई डज इट टेक समबडी एल्स टू रेज दिस इशू? वाई कांट इट कम फ्रॉम यू? यू आर रिस्पॉन्सिबल मीडिया ना, यू आर द फोर्थ स्टेट। सो देन In NDTV, when have I ever endorsed a fairness cream? Barkha ma'am always raise this question and media always raise this question. Yes, certain media always does, and certain media overlooks it and asks the question when it's already a controversy. Anyway,